एक्सरसाइज नंबर 10 में मैंने आप लोगों को एक बिजनेस नेम जनरेटर पे क्वेश्चन दिया था और आप में से कई लोगों ने उसको सॉल्व किया। अब मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन बताऊंगा और उसके बाद हम उन सभी लोगों को देखेंगे जिसने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में जावास्क्रिप्ट ओपी जरूर लिख देना। लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस बिजनेस जनरेटर वाली जो एक्सरसाइज दी थी उसका सॉल्यूशन सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा और उसके बाद हम लोग लोगों को शाउट आउट देंगे जिसने उसको सॉल्व किया। तो यहाँ पर आप देखो मैंने वीडियो नंबर 64 बना लिया है और वो जो क्वेश्चन था वो मैंने दिया था वीडियो नंबर आई गेस 62 में। ठीक है, 62 में दिया था मैंने आपको क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पर index.html बनाकर अपना जो ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट टैग वाला मेथड है उससे मैं करूंगा इसको सॉल्व। एंड क्यों ना मैं जावास्क्रिप्ट को यहीं पर लिख दूं, क्योंकि यार हम एक ही फाइल बना रहे हैं तो यहीं पर सीधा जावास्क्रिप्ट लिखता हूं स्क्रिप्ट टैग के अंदर। वी कैन डू दैट यू नो। तो अभी यहां पर मैं वीडियो नंबर 62 पर जाऊंगा और वीडियो नंबर 62 पर जाकर मैं ये index.js जो है इसको खोलूंगा। तो मैंने आप लोगों को 3 एडजेक्टिव्स दिए थे, मैंने 3 आप लोगों को शॉप नेम्स दिए थे और 3 अनदर वर्ड्स दिए थे। मैंने कहा था कि आप लोग इन तीनों में से एक चूज करोगे, इन तीनों में से एक चूज करोगे, इन तीनों में से एक चूज करोगे। तो मैं क्या करूंगा कि एक रैंडम नंबर जनरेट करूंगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा लेट Rand is equal to mat.random और ये 0 से 1 के बीच में एक रैंडम नंबर मुझे जनरेट करके देगा। अब मैं कहूँगा कि अगर रैंडम नंबर जो है, जो मेरा रैंडम नंबर है रैंड इज लेस देन 0.33। देखो क्या होगा कि जब हम 30% की बात करते हैं, देखो अगर मैं 1 से लेके 100 को या फिर 0 से लेके 100 को 3 टुकड़ों में बांटूँ तो किस तरह से बांटूंगा मैं 3 टुकड़ों में। एक होगा 0.0 से लेके 0.33 तक, एक होगा 0.33 से लेके 0.66 तक और एक होगा 0.66 से लेके 100 तक। अब ये मुझे कैसे पता चला, कैसे मुझे तोड़ना है इसको 3 टुकड़ों में। तो मैंने क्या किया कि 1/3 कर दिया, जो कि 0.33 होता है और एक मार्क आएगा 1/3 का, एक मार्क आएगा 2/3 का। ये 0 से 100 नहीं है, 0 to 1 है। अब कोई भी आप नंबर जनरेट करते हो वो या तो इस रेंज में लाई करेगा या वो इस रेंज में लाई करेगा या वो इस रेंज में लाई करेगा और ये तीनों जो डिफरेंसेस हैं, जो गैप हैं इन दोनों नंबर्स के, वो बराबर हैं 0.33 के गैप्स हैं। तो ये 3 टुकड़ों में मैंने 0 से 1 के इंटरवल को जो है वो तोड़ दिया है। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया है और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि अगर 0 से 0.33 तक आता है वो तो क्या करो, तो आप सिंपली फर्स्ट वाला चुन लो। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि अगर ये है तो फर्स्ट इज इक्वल टू लेट फर्स्ट इज इक्वल टू, या फिर एक काम करते हैं हम यहाँ पर नेम जो है उसको 3 भाग में बांटते हैं। एक होगा लेट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मैं कहता हूँ कि जो मेरा बिजनेस नेम है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से मिलकर बना हुआ है। अगर रैंड इज़ लेस देन 0.33 तो जो फर्स्ट होगा वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा क्रेज़ी। तो मैं यहाँ पर क्रेज़ी कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कहूँगा कि फर्स्ट इज इक्वल टू क्रेज़ी। और वरना क्या होगा, मैं इसको ज़रा ऊपर इस तरह से तोड़ देता हूँ। वरना क्या होगा, else if rand lies between, rand is less than 0.66 and rand is greater than or equal to 0.33, तब हम क्या करेंगे, जब इस रेंज में लाई कर रहा है 0.33 और 0.66 के बीच में, तब हम कहेंगे जो मेरा फर्स्ट है उसको अपडेट कर दो टू जो सेकंड वाला वर्ड है और वो है हमारा अमेजिंग। ठीक है, अमेजिंग। वरना हम क्या करेंगे, वरना हम फर्स्ट को कर देंगे। एंड आई नो कि ये थोड़ा लेंदी प्रोग्राम है एरेज़ के बिना, बट मैंने आप लोगों को एक चैलेंज दिया था, आप एरे यूज़ नहीं कर सकते इसमें, तो हमें उस बात से भी जो है नहीं हटना है, अपनी मुकरना नहीं उस बात से, एरे को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये मैंने फर्स्ट जनरेट किया, इसी तरह मैं सेकेंड जनरेट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की दबाऊँगा। मैं आप लोगों को स्क्रीन कास्ट मोड ऑन करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं क्या दबा रहा हूँ। ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की दबाई और ये डुप्लीकेट हो गया देखो। और मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट्स जनरेट द सेकेंड वर्ड, यहाँ पर मैं कंट्रोल सी करूँगा या कंट्रोल वी करके कहूँगा लेट्स जनरेट द फर्स्ट वर्ड। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट वर्ड जनरेट किया है और यहाँ पर लेट्स जनरेट द सेकेंड वर्ड हो गया और लेट्स जनरेट द थर्ड वर्ड हो जाएगा यहाँ पर THIRD थर्ड वर्ड। तो यहाँ पर जहाँ पे फर्स्ट था मैं सेकंड कर दूँगा, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर सेकंड कर दूँगा और उप्स, और ये जो सेकंड वाले वर्ड्स हैं इंजन हो गया, फूड्स हो गया, तो ये इंजन यहाँ पर आएगा, फूड्स यहाँ पर आएगा और गारमेंट्स यहाँ पर आएगा। और इसके बाद सेम चीज़ मैं करूँगा ब्रोज लिमिटेड और हब के लिए, ब्रोज लिमिटेड और हब के लिए ब्रोज आ गया,
ये लिमिटेड आ गया और ये हब आ गया, ठीक है। तो ये हब को मैंने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया और यहाँ पर मैं थर्ड कर दूंगा। और जो हमारा फाइनल वर्ड होगा वो क्या होगा, वो होगा फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। तो कंसोल डॉट लॉग मैं करूँगा और मैं बैकटिक का इस्तेमाल करूँगा और मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप क्या करें कि डॉलर लगाकर फर्स्ट को यूज़ कर लें, फिर इसके बाद स्पेस देकर सेम चीज़ मैं करूँगा सेकेंड, फिर स्पेस दबाकर थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो जैसे मैं इसको ब्राउज़र में प्रीव्यू करूँगा और कंसोल खोलूँगा तो आप देखो इसने मेरे लिए एक नाम जनरेट कर दिया होगा, ठीक है, क्रेजी इंजन प्रोज। रीलोड करूँगा, एक दूसरा नाम ये मुझे जनरेट करके देगा और वो है अमेजिंग फूड्स लिमिटेड। इसको बंद कर देते हैं, फैब आइकन का एरर मिल रहा है मुझे। रीलोड करूँगा अमेजिंग फूड्स लिमिटेड दोबारा, फिर करूँगा क्रेजी इंजन ब्रोज, फिर करूँगा अमेजिंग फूड्स लिमिटेड, अमेजिंग फूड्स लिमिटेड। इस बार इतना फायर गारमेंट्स हब दिया, इसके बाद अमेजिंग फूड्स लिमिटेड, फिर अमेजिंग फूड्स लिमिटेड, क्रेजी इंजन ब्रोज दे दिया इसने दोबारा से, क्रेजी इंजन ब्रोज, फायर गारमेंट्स हब। तो ये यहाँ पर अमेजिंग फूड्स लिमिटेड और फायर गारमेंट्स सभी क्यों दे रहा है, तो ये चीज़ मुझे चेक करनी पड़ेगी। ओके, आई गॉट इट। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना कि जो रैंडम नंबर है इसको भी मुझे अपडेट करना पड़ेगा हर बार, क्योंकि मैं एक रैंडम नंबर जनरेट करूँगा अपना फर्स्ट चुनने के लिए, फिर एक रैंडम नंबर मैं जनरेट करूँगा अपना सेकेंड जनरेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर लेट्स जनरेट दी, अब अगर तीन अलग अलग मैचेस हो रहे हैं तो अलग अलग टॉसेज होंगे ना, एक ही टॉस से थोड़ी ना कर लोगे आप सारा काम, ठीक है, तो इसलिए ये अलग टॉस में कर रहा हूँ। और अब देखो आप लोग यहाँ पर आएगा मज़ा। अब देखो रीलोड करूँगा, अमेजिंग फूड्स लिमिटेड आया, अमेजिंग फूड्स लिमिटेड आया दोबारा से, अमेजिंग गारमेंट्स सब आया, फायर गारमेंट्स सब आया, क्रेजी इंजन लिमिटेड आया। तो ये देखो ये बहुत सारे नाम जनरेट हो गए, फायर गारमेंट्स ब्रोज। और यहाँ पर आप फॉर लूप लगा कर जितने मन चाहे कर सकते हो, सारे कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर बहुत सारे ये कॉम्बिनेशन लेता, अभी तो मैंने तीन तीन लिए, एडजेक्टिव, शॉप नेम और अनदर वर्ड, तीन तीन लिए। अगर मैंने ज़्यादा लिए होते तो शायद मैं और भी यूनिक नाम जो है वो जनरेट कर पाता। सो कैसा लगा आप लोगों को ये सॉल्यूशन मुझे नीचे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। अब मैं आप लोगों को शाउट आउट दूंगा और ये देखते हैं किसको इसको किस किसने सॉल्व किया है क्वेश्चन को। तो मैं अपना कैमरा ऑफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मैं शाउट आउट दे पाऊँ। तो यार यहाँ पर मैं इस वीडियो को खोलने वाला हूँ सबसे पहले, जो बिजनेस नेम जनरेटर वाला, और इसको खोलने के बाद मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और मैं यहाँ पर सॉर्ट कर दूंगा इसको बाय न्यूएस्ट फर्स्ट, ठीक है। ऑल्सो यार हमारे 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो यार नीचे कमेंट सेक्शन में सबके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन लिख देना। और इसमें यार सिग्मा वेब डेवलपमेंट के काफी लोगों का हाथ है, क्योंकि जब हमने सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट किया था तो बहुत कम लोग जुड़े हुए थे, एंड नाउ लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो मैं जल्दी से इसको स्क्रॉल करता हूँ, उनमें वापस आता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अमेज़न को शाउट आउट, अंकित साहू को शाउट आउट, लेट मी सी अरेज का इस्तेमाल तो नहीं किया। देखो यार अंकित साहू का सॉल्यूशन इज अमेजिंग, आई लव इट। शॉर्टकट तो है बट आई लव इट। वाई डू आई लव इट, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि तीन ऑब्जेक्ट्स बनाकर इन ऑब्जेक्ट्स की कीज़ को यूज़ किया है एज रैंडम नंबर्स। तो इनका रैन वन, रैन टू और रैन थ्री जो है वो रैंडम नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to 3, और इन्होंने इस ऑब्जेक्ट का फिर इस्तेमाल कर लिया है इसके की को इन्फर करने के लिए। तो रैंडमली ये इसमें से एक उठाएगा, इसमें से एक उठाएगा और इसमें से एक उठाएगा, और इसके बाद फाइनली जो है एक कॉन्सोल लॉग में इन्होंने जनरेट कर दिया सॉल्यूशन। बिग शाउट आउट, ह्यूज शाउट आउट टू अंकित साहू, बहुत बढ़िया सॉल्यूशन। सब लोगों से कहूँगा अंकित के सॉल्यूशन को रेफर करें। मैं कहूँगा जो मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है वो अंडरस्टैंडिंग परस्पेक्टिव से बहुत बढ़िया है, लेकिन अंकित साहू का एक प्रोडक्शन कोड में जैसा मैं देखना चाहूँगा सॉल्यूशन वैसा है। तो बिग शाउट आउट टू हिम। फिर इसके बाद रंगरेज आफ्ताब को शाउट आउट, दिल रजा को शाउट आउट, और यहां पर आशीष बैड बॉय कह रहे हैं कि भाई टफ था लेकिन मैंने सॉल्व किया। और मैंने कहा था कि एरेस का इस्तेमाल नहीं करना और अभी तक तो किसी ने किया नहीं है, बट मैं देखना चाहूंगा। बिल्कुल वैसे ही किया इन्होंने जैसे मैंने किया है, आई रियली लव इट। तो आशीष को शाउट आउट, फिर इसके बाद वर्ल्ड ऑफ मैथ को शाउट आउट, अवैस मुगल को शाउट आउट, फिर मानस अग्रवाल को शाउट आउट, जुबैर को शाउट आउट, शिवा को शाउट आउट, RRC को शाउट आउट, कुशुआ अक्षय को शाउट आउट, फिर इसके बाद विन राज को शाउट आउट, अमन नेकी को शाउट आउट, कोद विद आयुष को शाउट आउट, निखिल को शाउट आउट, अवैस मोल को शाउट आउट, इगोस्टिक को शाउट आउट, आदित्य को शाउट आउट, डेवलपर को शाउट आउट, फिर संदीप को शाउट आउट, एनिमेटेड वर्ड को शाउट आउट, आदिल रजा, फिर प्रकाश सुबेदी को शाउट आउट, बीस्ट आदिराज को शाउट आउट, अमन नेगी को शाउट आउट, कोड विद आयुष को शाउट आउट, एनिमेट वर्ड को शाउट आउट, सैफ अंसारी को शाउट आउट, दे कॉल मी खिजैर को शाउट आउट, सक्षम सिंह को शाउट आउट, प्रोग्रामर अक्षय को शाउट आउट, अंकित साहू को दोबारा से शाउट आउट, फिर मार्ट एंड मिश्रा को शाउट आउट, फिर इसके बाद हर्षित डागर को शाउट आउट, राहुल कुमार शर्मा को शाउट आउट, कोडवे सरी को शाउट आउट, यूजर PX को शाउट आउट, बिलाल हसन को शाउट आउट, शिवा नरवाडे को शाउट आउट, इसके बाद दीपता
तनु कुंडू को शाउट आउट, कोडिंग नेविगेटर को शाउट आउट, अनिरुद्ध शर्मा को शाउट आउट, कैम रेसर को शाउट आउट, इसके बाद उस्मान मुस्तफा को शाउट आउट, लॉस्ट गेमर को शाउट आउट, विनय को शाउट आउट, यूजर को शाउट आउट, रंगजेब आफ्ताब को शाउट आउट, दीप ज्योति को शाउट आउट, कोड विद रोहित को शाउट आउट जिन्होंने इसको सॉल्व किया है और एरेज का इस्तेमाल नहीं किया है जो कि बहुत अच्छी बात है। इन्होंने भी बिल्कुल वैसे ही किया जैसे मैंने किया, बट आई एम जस्ट नॉट श्योर कि इन्होंने एक रैंडम नंबर जनरेट करके ये किया है। हाँ मैं कह सकता हूँ कि ओके, तो इन्होंने क्या किया है कि रैंडम नंबर जो इनका है वो इन्होंने 10 के 10 कॉम्बिनेशंस को जो है ले लिया, लेकिन ये मैं एक अच्छा अप्रोच नहीं है क्योंकि यार अगर मैंने इनको बढ़ा दिया ना ए बी सी की जगह ज़्यादा कर दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप नीचे जो पहला सॉल्यूशन था अंकित साहू का उसको रेफर करें रोहित भाई, आपको बहुत बढ़िया अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। बट आई एम ग्लैड यार आपने अटैम्प्ट किया और बढ़िया से अटैम्प्ट किया। फिर इसके बाद चेतन को शाउट आउट, हबीब अली को शाउट आउट, हर्ष को शाउट आउट और इसी के साथ मैं रैप अप करूंगा शाउट आउट्स को और आने वाली एक्सरसाइज में और लोगों को शाउट आउट दिया जाएगा। सो आई होप कि आप लोगों को मजा आया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और इसका सॉल्यूशन आप लोगों ने देख लिया। अगर आप लोग इसको सॉल्व नहीं भी कर पाए ना दैट शुड बी फाइन, क्योंकि आप लोग यहाँ से और स्ट्रांग होकर आगे बढ़ोगे और जब हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तब आप लोगों के पास और अच्छी पकड़ होगी। सो आई होप कि आप लोगों ने प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस कर ली होगी, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क और यहाँ क्लिक करके सेव करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल see you next time.